हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के दो वीडियोस जो हैं ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जिसमें पार्ट टू में आपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट पढ़ा था। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप नीचे लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और आपको तुरंत अगर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट क्लास ऑफ टेस्ट है आपका लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट का मतलब है कि जो टेस्ट आप लैब में विद एपरेटस और विद इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करते हैं, और कोई भी नेचुरल कंडीशन में आप परफॉर्म नहीं करते, यानी कि आप जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो टेस्ट आपका कहलाता है लेबोरेटरी टेस्ट। तो लैब टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट है आपका फाइननेस टेस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि फाइननेस टेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे क्या पता चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होगा कि जब आप सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो लास्ट में आपने बर्निंग के बाद ग्राइंडिंग करी थी, फाइन ग्राइंडिंग करी थी। तो फाइन ग्राइंडिंग के टाइम पे वो जो पार्टिकल्स हैं प्रॉपरली फाइन हो भी पाए थे या नहीं, तो उस टेस्ट को चेक करने के लिए आप फाइननेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आपको पता चल जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे प्रॉपर ग्राइंडिंग हो भी पाई थी या नहीं। फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड टू चेक इट्स प्रॉपर ग्राइंडिंग। अब सपोज प्रॉपर ग्राइंडिंग हो गई, यानी पार्टिकल आपके बहुत ज़्यादा फाइन हो गए हैं, और कुछ पार्टिकल सपोज आपके कोर्सर रह गए, तो आपको पता है कि जितने ज़्यादा फाइन होंगे पार्टिकल, उनका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, और जितने बड़े साइज के पार्टिकल होंगे सरफेस एरिया उनका उतना ही कम होगा, क्योंकि इसमें वॉइड का साइज जो है वो ज़्यादा रहता है। तो जब आप वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये पार्टिकल के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, इसमें पार्टिकल के कांटेक्ट में उतने पार्टिकल्स नहीं आ पाएंगे। तो मींस जब आपका वाटर ऐड करेंगे तो फाइन होगा सीमेंट, तो उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोसेस होगी, क्योंकि पार्टिकल के कांटेक्ट में वाटर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, यानी ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोसेस होगी। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोसेस होगी उतनी ही ज़्यादा हीट इंड्यूस होगी, यानी जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो आपको पता है कि स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा सीमेंट में डेवलप होगी। तो जब आप फाइननेस चेक करते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, रेट ऑफ हाइड्रेशन पे, क्योंकि हाइड्रेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट पर, यानी कि हीट भी उतनी ज़्यादा इवॉल्व होगी, और रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ पर, जिसके डायरेक्ट इम्पैक्ट इन तीनों चीज़ों पर पड़ते हैं। इसीलिए आप सीमेंट को प्रॉपरली फाइन करते हैं, जिससे सफिशियंट स्ट्रेंथ आपको मिल सके आपके सीमेंट को। फाइननेस जो है वो किसी भी मेथड्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। पहला टेस्ट कहलाता है सीप टेस्ट, और सेकेंड टेस्ट कहलाता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। सीप टेस्ट में देखते हैं क्या करते हैं। सीप टेस्ट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं IS सीव नंबर 9, जिसको कहते हैं 90 माइक्रोन की सीव। मींस आपने एक सीव ली 90 माइक्रोन की, और इसमें 100 ग्राम सीमेंट आपने क्या किया, प्लेस कर दिया, और इसके बाद 15 मिनट तक, एटलीस्ट 15 मिनट्स तक आपने सीविंग करी, यानी कि इसको छाना 15 मिनट तक। अगर इसमें कोई भी एयर की गांठें, एयर के लम्स बन रहे हैं, उनको ब्रेक करते हुए आपने 15 मिनट तक सीविंग करते रहेंगे, कंटिन्यूस ब्रेकिंग ऑफ एयर सेट लम्स। तो सीव करने के बाद क्या होगा, मोस्टली पार्टिकल सीव हो जाएंगे और कुछ रेसिड्यू लेफ्ट बचेगा। तो जो बचा आपके सीव में सीमेंट, वो सीमेंट जो है आप नोट कर लेते हैं, वो ओरिजिनल वेट से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आप स्टैंडर्ड सीमेंट की बात करते हैं। कोई भी टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं स्टैंडर्ड सीमेंट के लिए परफॉर्म करते हैं, तो वो वैल्यू 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी नोट दी वेट ऑफ दी रेसिड्यू लेफ्ट ओवर दी सीप, सीप पर जो भी रेसिड्यू बचा है उसका वेट नोट कर लिया। OPC के लिए इसकी वैल्यू 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ओरिजिनल वेट के। मींस अगर 100 ग्राम वेट है तो इसका 10% कितना हो गया, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम से ज़्यादा इसमें नहीं बचना चाहिए। अगर 10 ग्राम से कम है तो आपका सीमेंट ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर 10 ग्राम से ज़्यादा है तो प्रॉपर तरीके से फाइन नहीं हुआ है, आप उस सीमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। नोट देख लीजिए, सीमेंट सीव टेस्ट इज़ नॉट परफॉर्म नाउ अ डेज टू चेक द फाइननेस ऑफ सीमेंट।
सीव टेस्ट आजकल सीमेंट की फाइननेस चेक करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि इससे बेटर मेथड आ गया है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो है वो बेटर रिजल्ट देता है सीव टेस्ट से, इसीलिए आप एयर परमेबिलिटी टेस्ट का यूज़ आजकल करते हैं। अब एयर परमेबिलिटी टेस्ट से वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि एयर का यूज़ करके आप परमेबिलिटी या फाइननेस चेक कर रहे हैं उसके सीमेंट की। तो देखते हैं क्या होता है कि ये जो टेस्ट है फाइननेस चेक करने का, ये रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि फाइननेस जो है वो मेज़र करते हैं किसके टर्म में, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में मेज़र किया जाता है, जिसको कहते हैं सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। सरफेस एरिया पर यूनिट वेट इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि फाइननेस जो है वो किसके टर्म में मेज़र करते हैं। सरफेस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, किसकी यूनिट है? सरफेस एरिया की, और ग्राम यूनिट वेट की। मींस पूछ लेते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा किस में किसके टर्म में मेज़र कर रहे हैं, एरिया पर यूनिट वेट, वेट पर यूनिट एरिया, या एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, या वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। इस टाइप से ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम यूनिट होती है, और इसकी डेफिनेशन है स्पेसिफिक सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। तो ये जो टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हैं तो एपरेटस का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है ब्लैनीज एयर परमेबिलिटी एपरेटस। इस एपरेटस की हेल्प से आप फाइननेस को मेज़र करते हैं, नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका प्रिंसिपल या इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, सपोज़ ये पार्टिकल आपके कुछ फाइन पार्टिकल्स हैं, सेम वेट के आपने सेम वेट रखा है, आपने वेट चेंज नहीं किया, यूनिट वेट कॉन्स्टेंट है, और वही पार्ट सेम वेट में आपने कुछ कोर्सर साइज़ के पार्टिकल ले लिए, ओके? तो आपको पता है कि जितने फाइन पार्टिकल हैं उनका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉइड का साइज़ कम है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिकल सरफेस को कवर कर लेगा। यहाँ पर वॉइड का साइज़ बड़ा है तो कम से कम पार्टिकल सरफेस एरिया कवर कर रहा है, इसीलिए जब आप इसमें एयर का फ्लो कराएंगे, इस एपरेटस के थ्रू चेक कर लेते हैं, सपोज़ एयर का फ्लो हुआ, तो आपको पता है विद द हेल्प ऑफ एयर ये पार्टिकल के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगी कंपैरेटिवली वॉइड के, और यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल के कांटेक्ट में तो कम आ रही है बट वॉइड के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रही है, मींस ज़्यादा साइज़ का वॉइड है, मींस परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें इसकी परमेबिलिटी कम है। परमेबिलिटी का मतलब है वॉइड का साइज़ कम है, फ्लो इसके अंदर से एयर पास नहीं हो पाएगी, और इसमें जो है वॉइड का साइज़ ज़्यादा है, इसमें ईजिली एयर पास हो जाएगी। तो इस एपरेटस की हेल्प से ये कंसेप्ट है कि जो बेड बन रहा है सीमेंट पार्टिकल का, और ये जो एयर का फ्लो हो रहा है बेड पे, इन दोनों को रिलेट करते हुए ये एपरेटस स्पेसिफिक सरफेस एरिया बता देता है कितना है, यानी जितना ज़्यादा फाइन पार्टिकल होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, और जितने बड़े साइज़ के पार्टिकल होंगे उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही कम होगा। तो प्रिंसिपल क्या है, इज़ बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू दी सीमेंट बेड और सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल फॉर्मिंग दी बेड। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है उसके थ्रू ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया बता देता है। अगर OPC की बात की जाए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो कि स्टैंडर्ड सीमेंट है, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, यानी 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 ग्राम सीमेंट लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया कितना आना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर कम से कम। जितना ज़्यादा फाइन होगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोसेस होगी, और जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोसेस होगी हीट भी उतनी इंड्यूस होगी और स्ट्रेंथ भी फाइनली उतनी ही ज़्यादा निकलेगी। तो इसीलिए आप एयर परमेबिलिटी टेस्ट का यूज़ आजकल कर लेते हैं, जो कि बेटर रिजल्ट दे देता है, बहुत ज़्यादा फाइन तरीके से बता देगा आपको कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना है, और जितना ज़्यादा होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही सीमेंट आपका ज़्यादा अच्छा है, अगर इससे कम है तो आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड टेस्ट है आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में आप क्या करते हैं, ये टेस्ट आपको पता होना चाहिए परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। अगर आपको सेटिंग टाइम टेस्ट, मींस इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस, ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं, तो उससे पहले आपको सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पता होनी चाहिए, और जिससे कि आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। मींस
In order to find the initial setting time, final setting time, soundness, a parameter termed as standard consistency should be known. Standard consistency आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. क्वेश्चन आ जाता है कि सेटिंग टाइम टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट किस टेस्ट के बिना परफॉर्म नहीं किया जा सकता, या ये टेस्ट किस टेस्ट के बिना नहीं परफॉर्म हो सकते. तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जब तक नहीं पता होगी सीमेंट की, तो ये और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पता किससे चलेगी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट से. तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के बिना ये टेस्ट परफॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि इसी से आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पता चलेगी. स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती क्या है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एक बार डायग्राम में देख लेते हैं. स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट की ये होती है कि सपोज ये विकार्ट एपरेटस है, इस एपरेटस के थ्रू आप सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालते हैं. ये एक सिलेंड्रिकल मोल्ड है 80x40 mm साइज का. एक ये विकार्ट प्लंजर है जिसकी हाइट 50 mm है, और इसका जब आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये आपका 10 mm क्रॉस सेक्शनल डाया आता है. तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि सीमेंट में वाटर ऐड करके एक पेस्ट बना लेते हैं, उस पेस्ट को इसमें फिल कर देते हैं, और फिल करने के बाद जब आप इस प्लंजर को इसकी टॉप सरफेस पे लाके ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करने के बाद क्या होता है कि ये प्लंजर पेनिट्रेट करेगा अंदर सीमेंट में. अगर ये टॉप से 33-35 mm की डेप्थ तक पेनिट्रेट कर गया, तो आपका सीमेंट जो है वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट है. मींस जो वाटर आपने सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए यूज़ किया है वो सीमेंट पेस्ट को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट बना देगा. देखते हैं पीछे कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है. स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी है सीमेंट पेस्ट की जो परमिट करती है पेनिट्रेशन विकार्ट प्लंजर का जिसका साइज़ कितना है 10 mm और हाइट है 50 mm अप टू द डेप्थ ऑफ 33-35 mm फ्रॉम टॉप इनटू द मोल्ड प्रिपेयर फ्रॉम पेस्ट ऑफ सीमेंट टू बी टेस्टेड. यानी कि जब आप पेस्ट को बना रहे हैं तो विकार्ट प्लंजर अगर 33-35 mm उस पेस्ट में पेनिट्रेट कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहलाएगी सीमेंट की. इन मींस वो वाटर परसेंट जो है वो आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट बनाने के लिए हेल्पफुल है सीमेंट को. वही अगर मैं बॉटम से बात करूं तो कितना आएगा, 5-7 mm फ्रॉम बॉटम. देख लीजिए, जब आपको टॉप से 33-35 mm मिल रही है, ये हाइट 50 mm है, इसमें क्या होता है स्केल लगे रहते हैं. जब ये प्लंजर आप ड्रॉप करेंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी. तो आपने देखा 33-35 mm टॉप से मिल रही है, तो टोटल हाइट कितनी है 40 mm, तो बॉटम से कितनी बचेगी 5-7 mm. तो क्वेश्चन में या तो अगर ये आ गया 5-7 mm फ्रॉम बॉटम तो भी ठीक है, या 33-35 mm फ्रॉम टॉप तो भी आपका ऑप्शन करेक्ट है. 33-35 mm फ्रॉम बॉटम अगर आ गया तो वो गलत है, और या 5-7 mm फ्रॉम टॉप आ गया तो वो भी गलत है. मींस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी होती है सीमेंट पेस्ट की जब आप विकार्ट प्लंजर को उस पेस्ट में पेनिट्रेट करवाते हैं, तो आपको 33-35 mm डेप्थ मिलनी चाहिए विकार्ट प्लंजर की. तो वो कंसिस्टेंसी आपकी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं, उसमें सब अप्रॉक्स 23% आप वाटर ऐड कर देते हैं बाय वेट ऑफ सीमेंट. यानी 500 ग्राम का 23% आपने वाटर मिक्स करके इसको पेस्ट बना लिया, और इस पेस्ट को इसमें फिल कर दिया. जब आपने विकार्ट प्लंजर को इसकी टॉप सरफेस पे लाके ड्रॉप किया, तो आपने देखा कि अगर 33-35 mm हाइट मिल रही है प्लंजर की, तो इसका मतलब है कि ये सीमेंट पेस्ट आपका कैसा होगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट होगा. और ये वाटर जो है, ये वाटर परसेंटेज जिसने आपके सीमेंट को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट बनाया है, इसको आप डिनोट कर देते हैं कैपिटल पी से, क्योंकि यही है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कुछ नहीं, बस एक वाटर परसेंट है जो आपके सीमेंट पेस्ट को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट बना रही है. अब सपोज ऐसा हुआ कि 23% वाटर मिलाया तो आपने, बट इसको ज़रूरी तो नहीं है कि 33-35 mm डेप्थ मिले आपको, हो सकता है कि आपको सिर्फ 30 mm ही डेप्थ मिली हो,
लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतनी मिलनी चाहिए। तो अगर आपको पता है कि ये पेस्ट थोड़ा हार्ड होगा तभी पेनिट्रेट नहीं कर पाया, तो सपोज़ अब आपने क्या किया, 24% वाटर मिला दिया। 24% जब आपने वाटर मिलाया तो आपने देखा कि अब ये जो पेस्ट बन रहा था 24% से, ये 33-35 mm आपको डेप्थ दे रहा है। तो इसका मतलब है अब ये वाटर परसेंटेज को आप पी से नोट करेंगे, ना कि 23% को। अब सपोज़ ऐसा हुआ कि जब आपने 500 ग्राम में 23% ऐड किया, तो हो सकता है कि आपको डेप्थ ज़्यादा मिल गई हो, सपोज़ 37 mm मिल गई हो। तो 37 mm मिल गई, इसका मतलब है कि लीनियर पेस्ट बन गया, बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे कि वाटर परसेंट कम कर देंगे, कम करेंगे तभी 33-35 mm डेप्थ मिल पाएगी। हो सकता है कि इसमें आपको 33-35 mm डेप्थ मिल गई, अब इस वाटर परसेंटेज को पी से डिनोट करेंगे, ना कि 23% को। ओके, तो बस वो वाटर परसेंट आपको फाइंड करनी है जो 33-35 mm पेस्ट बनाने में डेप्थ दे रही है, और उसी वाटर परसेंट को आप पी से डिनोट करेंगे। तो वो वाटर परसेंट जो है वो आपके सीमेंट पेस्ट को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट बना देगी। देख लीजिए डेफिनेशन, दिस टेस्ट इज कंसर्न विथ फाइंडिंग दी वाटर कंटेंट। ये टेस्ट कुछ नहीं है, वो वाटर कंटेंट को फाइंड कर रहा है जो कि सीमेंट पेस्ट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का प्रोड्यूस कर सके। ओके, इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं और इसमें 23% ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट ऐड कर देते हैं फर्स्ट ट्रायल में, और उसके बाद प्लंजर को जेंटली सरफेस पर लाकर रिमूव कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं क्विकली। और रिलीज़ करने के बाद जो, अगर आपने देखा कि ये टेस्ट तब तक परफॉर्म करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड है कि जब आपको 33-35 mm टॉप से हाइट मिल गई, इसका मतलब है कि वो मॉइस्चर कंटेंट जो है आपके सीमेंट पेस्ट को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट बना देगा, और उसको किससे डिनोट कर देंगे, कैपिटल पी से। ये टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हैं तो एक आपने इन्वायरमेंटल जो है नेचुरल कंडीशन तो क्रिएट नहीं करनी, आपको आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। तो उस टाइम लैब का टेम्परेचर आप 27 ± 2 °C मेंटेन रखते हैं, मींस 25-29 °C का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% क्रिएट करते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब उमस, अगर आप 90% क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो जो मॉइस्चर कंटेंट आप पेस्ट में ऐड कर रहे हैं हो सकता है वो वाटर वेपोरेट हो जाए, तो आपको तो एग्जैक्ट परसेंट चाहिए। तो इसीलिए आप 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं और 27 ± 2 °C टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कितना टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं, 27 ± 2, 27 ± 3, 27 ± 4, इस टाइप से ऑप्शन में मिल जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए 27 ± 2 °C टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। ओके, ये हो गया स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, और आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मिल गई जिसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल पी। ये कैपिटल पी है क्या, बस वाटर की परसेंटेज है जो सीमेंट को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट बना रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट क्या है आपका, सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट मतलब है कि आपको सेट होने का टाइम चेक करना है। इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, सपोज़ आपने स्टोर करके सीमेंट को रख दिया काफ़ी टाइम के लिए और उसमें मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन हो गया जिसकी वजह से आपका सीमेंट डिटीरियोरेट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म टू चेक दी डिटीरियोरेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू स्टोरेज, यानी स्टोरेज के टाइम पर जो डिटीरियोरेशन हो रहा है सीमेंट का, ब्रेकेज हो रहा है, उसको चेक करने के लिए टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं। जनरली आपको पता है 2 times होते हैं, एसोसिएट होते हैं सेटिंग के साथ, पहला तो जिसको कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और सेकेंड इज फाइनल सेटिंग टाइम। ओके, तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब है कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, इनिशियल सेट होने का टाइम, जैसे ही सीमेंट सेट होना शुरू हो वो टाइम आपका कहलाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। अब सपोज क्या है, ये आपके सीमेंट के पार्टिकल हैं, इसमें आपने वाटर ऐड किया, और वाटर जब ऐड करोगे तो ये पेस्ट कैसा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, थोड़ा फ्लोइंग कंडीशन में हो जाएगा। तो जब ये प्लास्टिक हो गया, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है,
तो जैसे ही आपका सीमेंट इनिशियली सेट होना शुरू हो रहा है, मींस हार्ड होना शुरू हो रहा है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, पानी मिलाने के कुछ टाइम बाद हार्ड होने लगेगा। तो जैसे ही ये हार्ड होना शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो वो टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है जब सीमेंट में वाटर ऐड करने के बाद सीमेंट की प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज़ होना शुरू हो जाए। जैसे ही लूज़ होना स्टार्ट ही होगी, वैसे ही ये हार्ड होना शुरू होगा, तो वो टाइम आपका क्या कहलाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम। मींस वाटर ऐड कर दिया, उसके बाद आपने टाइम देखा कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये हार्ड होना शुरू होगा, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज़ होना शुरू हो जाएगी, वो टाइम आपका कहलाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। देख लेते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ रिगार्डेड एज द टाइम, वो टाइम है जो मेज़र करते हैं फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज़ एडेड। जैसे ही आपने वाटर ऐड किया सीमेंट में, उस टाइम तक जैसे ही सीमेंट स्टार्ट कर दे अपनी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज़ करना, जैसे ही लूज़ करना स्टार्ट करेगा तभी ये हार्ड होना शुरू होगा, तो वो टाइम आपका कहलाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हैं, सेम विकार्ट एपरेटस की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसमें 0.85 पी से गेज करते हैं। वैल्यू याद रहनी चाहिए आपको, 0.85 पी का मतलब है कि पी वैल्यू तो आपको पता ही है कि वो वाटर परसेंट जो सीमेंट पेस्ट को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट बना रही है, बस उसी वाटर परसेंट का 85% और ले लेते हैं, यानी 0.85 पी। सपोज़ आपने 23% पी की वैल्यू है, तो इसका 85% 0.85 निकाल लोगे, तो 0.85 क्या होगा, ये और कम हो गया वाटर। तो जब आपने ये पेस्ट तैयार किया तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का जो पेस्ट बना था उससे ये थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि इसमें वाटर परसेंट थोड़ी कम हो गई है 15%, तो ये पेस्ट थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, विकार्ट एपरेटस है। सपोज इसमें आपने क्या किया कि जब 500 ग्राम सीमेंट लिया और उसको 0.85 पी से गेज कर दिया, गेज मींस होता है मिक्स करना। जब आपने इसको वाटर को इससे ईजिली मिक्स करके इस पेस्ट में फिल किया, तो ये पेस्ट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पेस्ट से थोड़ा हार्ड होगा। इसमें क्या करते हैं, निडल अटैच कर देते हैं और निडल की हेल्प से आप ये बिकार्ट प्लंजर को सरफेस पे लाकर क्विकली रिलीज करते हैं और वैसे ही आप टाइम नोट करना शुरू कर देते हैं। तो ये निडल की हेल्प से क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, पेस्ट थोड़ा हार्ड है, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ से शुरू हुआ रिलीज़ होना, आपने वो टाइम नोट कर लिया और उसके साथ साथ जैसे ही आपको 33 to 35 mm डेप्थ मिल गई बिकार्ट प्लंजर की, वो टाइम आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक नोट कर लिया, ये टाइम आपका कहलाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। क्या करते हैं, 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं, 0.85 पी से गेज कर देते हैं, ये है क्या, एट 85% ऑफ वाटर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। उस वाटर परसेंट का 85% है जो आपका सीमेंट पेस्ट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का बना रहा था, यानी पी का 85%। आपने क्या किया, स्क्वायर निडल को लोअर किया, जेंटली धीरे धीरे नीचे किया, सरफेस पर लाए मोल्ड की और रिलीज़ कर दिया। वो टाइम नोट कर लिया आपने कि जो पेनिट्रेशन 33 to 35 mm टॉप से दे रहा है मोल्ड में, वो टाइम आपने नोट कर लिया और इस टाइम को क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। जनरली अगर OPC की बात करें स्टैंडर्ड सीमेंट की, तो इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 minutes, अप्रॉक्स 30 minutes होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। उससे आपको बता देंगे कि ये आपका सीमेंट जो है सेट होना शुरू हो गया है। ओके, नेक्स्ट टाइम एसोसिएट होता है जिसको कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब है कि जब आपने सीमेंट पार्टिकल में वाटर ऐड किया, तो स्टार्टिंग में तो इसकी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है क्योंकि ये प्लास्टिक है, फ्लोइंग कंडीशन में है, तो जैसे ही आपने वाटर ऐड किया कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये सेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये फाइनली सेट हो जाए, आपको लगे अब ये पूरी तरीके से हार्ड हो चुका है, फाइनली सेट हो चुका है, इसका मतलब है कि प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम्प्लीटली लूज़ हो चुकी होगी। जब ये कम्प्लीटली लूज़ हो जाएगी तभी तो ये पूरी तरीके से सेट होना शुरू हो जाएगा। तो वो
टाइम कहलाता है फाइनल सेटिंग टाइम, जब सीमेंट में वाटर ऐड करने के बाद प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम्प्लीटली लूज हो चुकी हो, ये प्रॉपर तरीके से फर्म हो चुका हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हो, जिससे अगर इस पर कोई प्रेशर भी लगाएं तो ये रजिस्ट कर ले, इतना हार्ड हो चुका आपका सीमेंट, तो वो टाइम क्या कहलाता है? फाइनल सेटिंग टाइम। देख लेते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम है जिसको मेज़र करते हैं इंस्टेंट वाटर, जब आपने वाटर ऐड किया सीमेंट में उस टाइम तक इट कम्प्लीटली लूजेज इट्स प्लास्टिसिटी। तो जब ये प्लास्टिसिटी कम्प्लीटली लूज कर दे तो वो टाइम आपका फाइनल सेटिंग टाइम कहलाता है, और अटेन कर ले सफिशियंट फर्मनेस, इतना फर्म हो जाए कि जिससे एक ये डेफिनेट प्रेशर को भी रजिस्ट कर सके, वो टाइम आपका फाइनल सेटिंग टाइम कहलाता है। इसको परफॉर्म करने के लिए सेम वही आप तैयार करते हैं, 500 ग्राम सीमेंट लेंगे, 0.85 पी से गेज करेंगे और उसको सिलेंड्रिकल मोल्ड में, विकार्ट एपरेटस के सिलेंड्रिकल मोल्ड में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप क्या करते हैं, कुछ टाइम वेट करते हैं, क्योंकि आपको फाइनल सेट चाहिए एकदम हार्ड हो चुका हो। तो सपोज़ अगर आपने सिलेंडर की टॉप सरफेस ली, तो मैं एक टॉप सरफेस ये ले रही हूँ, एक टॉप सरफेस ये ली और एक टॉप सरफेस ये ली, तो आपने देखा कि 9 घंटे के बाद आपको लगा कि ये हार्ड हो चुका है। जब आप विकार्ट प्लंजर में नेडल अटैच करते हैं तो उसमें एनुलर कॉलर के साथ नेडल अटैच करते हैं, एनुलर कॉलर, और सपोज़ ये आपने नेडल अटैच कर दी, इसको कहते हैं स्क्वायर नेडल, ओके। एनुलर कॉलर जो है इसका आपको पता होना चाहिए कि ये 1 सेंटीमीटर का होता है और ये 1 mm की होती है नेडल, मीन्स ये 10 mm का होगा और ये 1 mm की नेडल होगी। आपने क्या किया, विकार्ट प्लंजर में एनुलर कॉलर के साथ नेडल अटैच कर दी, जब आपने टॉप सरफेस पे प्लंजर को लाके ड्रॉप किया तो आपने देखा 9 घंटे के बाद आपको लगा कि सीमेंट हार्ड हो चुका है, तो आपने देखा कि जब आपने छोड़ा तो ये सरफेस पर इस टाइप का कुछ इंप्रेशन दिखा, कॉलर और निडल का इंप्रेशन ये दिखा। फिर आपने सपोज़ थोड़ी देर और वेट किया, 9.5 आवर के बाद चेक किया, तो आपने देखा कि एनुलर कॉलर का इंप्रेशन तो डॉटेड आया और निडल का क्लियर इंप्रेशन आपको देखने को मिला। फिर आपने 10 आवर के बाद देखा, 10 आवर तक वेट किया, तो आपने देखा कि सिर्फ निडल का इंप्रेशन मिल रहा है, एनुलर कॉलर का कोई भी इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, तो वो टाइम आपका फाइनल सेटिंग टाइम कहलाता है कि जब एनुलर कॉलर सरफेस पर इम्प्रेशन देने में फेल हो जाए और खाली निडल इम्प्रेशन दे क्लियरली, तो वो टाइम आपका फाइनल सेटिंग टाइम कहलाता है। देख लीजिए, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि अबव आपने ऊपर किया था इनिशियल सेटिंग टाइम में, और लोअर किया एनुलर कॉलर विद द हेल्प ऑफ मोल्ड और रिलीज कर दिया क्विकली विद द मोल्ड, और रिलीज इसकी सरफेस पे रिलीज कर दिया, तो फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा जब एनुलर कॉलर फेल हो जाए कोई भी इम्प्रेशन देने में ओवर द मोल्ड, बट निडल डज शो, लेकिन निडल का क्लियरली इम्प्रेशन दिखे, वो टाइम आपका फाइनल सेटिंग टाइम कहलाता है। ओपीसी की अगर बात करें तो फाइनल सेटिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 10 आवर्स, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स जो है वो आपका ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम होता है। ये दोनों ही आप विकार्ट एपरेटस की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, और जब तक आपको पी वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक आप ना तो इनिशियल सेटिंग टाइम परफॉर्म कर सकते हैं ना ही फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको पता है कि साउंडनेस टेस्ट भी जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं, आपको पता है कि जब आपका सीमेंट सेट हो रहा होता है सेटिंग टाइम पे, टेम्परेचर में चेंजेस होने की वजह से सीमेंट का वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, तो जो वॉल्यूम में एप्रिशिएबल चेंज हो रहा है यानी एक्सपेंशन जो हो रहा है, वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, साउंडनेस। अगर सपोज़ ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया तो ज़्यादा एक्सपेंड होगा तो फाइनली क्या होगा, एक्सपेंड होने की वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे स्ट्रक्चर में, और क्रैक्स होने की वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी है वो इफ़ेक्ट कर जाएगी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि कितने टाइम तक आपका स्ट्रक्चर चल सकता है। सपोज़ आपने 10 साल के लिए स्ट्रक्चर बनाया तो उसकी ड्यूरेबिलिटी 10 साल थी, तो वही अगर वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपेंड कर गया तो क्रैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यह आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर सेटिंग
इसमें कोई भी एप्रिशिएबल वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए जो कि सीरियसली अफेक्ट करता है किसको, ड्यूरेबिलिटी पे स्ट्रक्चर की जो कि आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। यानी कि साउंडनेस वो प्रॉपर्टी है कि जो टेम्परेचर चेंज होने पे एप्रिशिएबल चेंज हो रहा है वो प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर ज़्यादा चेंज हो गया, ज़्यादा बढ़ गया वॉल्यूम, तो आपका सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। यानी कि जो एक लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि सीमेंट में जो साउंडनेस है वो किन की प्रेजेंस से होती है? पहली बात तो लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर, ये तीन ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो साउंडनेस परफॉर्म साउंडनेस इम्पार्ट करते हैं, साउंडनेस की प्रॉपर्टी देते हैं। तो आपको पता है लाइम और मैग्नीशिया, इन दोनों की वजह से तो साउंडनेस मेज़र कर सकते हैं, बट सल्फर की वजह से आप साउंडनेस को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं बना है। तो पहला जो टेस्ट है साउंडनेस मेज़र करने का, साउंडनेस ड्यू टू लाइम, लाइम की वजह से साउंडनेस मेज़र करने का टेस्ट। तो जब आप साउंडनेस ड्यू टू, ये लाइम है, साउंडनेस ड्यू टू लाइम जब आप टेस्ट करते हैं वो एक एपरेटस की हेल्प से करते हैं जिसको कहते हैं ली चैटलियर्स एपरेटस। ली चैटलियर्स एपरेटस की हेल्प से आप साउंडनेस मेज़र करते हैं जो कि ड्यू टू लाइम, नॉट मैग्नीशिया। क्वेश्चन में आ जाता है ली चैटलियर एपरेटस किसकी वजह से साउंडनेस मेज़र कर रहा है, तो ये ओनली लाइम की वजह से साउंडनेस मेज़र कर रहा है, मैग्नीशिया की वजह से साउंडनेस मेज़र नहीं करता है। ये कंसिस्ट करता है, एक बार एपरेटस के बारे में देख लेते हैं। इस एपरेटस कुछ इस टाइप का एपरेटस होता है कि 30 बाई 30 mm का ये सिलेंडर होता है। इसमें क्या होता है, टॉप एंड बॉटम से ग्लास प्लेट अटैच रहती है, साइड में दो इंडिकेटर आर्म लगी रहती हैं। एक आप जब आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो इसके पीछे भी एक इंडिकेटर आर्म है जो कि आपको नहीं दिख रही, पर जब आप टॉप से देखेंगे तो टॉप से आपको ये डायामीटर दिखेगा 30 mm का, और इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 mm है, और ये जो सिलेंडर बना है इसका मटेरियल है स्प्रिंग ब्रास। ये स्प्रिंग ब्रास का बना हुआ सिलेंडर है, और जब आप टॉप से देखोगे तो ये इंडिकेटर आर्म और इसके पीछे की जो इंडिकेटर आर्म होगी दोनों दिखेंगी। ये दो इंडिकेटर आर्म है, सपोज़ इनके बीच की कोई फिक्स्ड स्पेसिंग है जिसको आपने W कह दिया, और इंडिकेटर आर्म की जो लेंथ होती है वो 165 mm होती है। ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कितनी लेंथ होती है इंडिकेटर आर्म की। तो ये तो हो गया एपरेटस, इस एपरेटस की हेल्प से आप साउंडनेस को मेज़र करते हैं। देख लीजिए, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर होता है जो स्प्लिट हो सकता है, इंडिकेटर आर्म्स लगी हुई हैं इजली, स्प्रिंग ब्रास का बना हुआ है जिसका साइज है 30 mm और डायामीटर है 30 mm। ये दो इंडिकेटर आर्म्स कंसिस्ट करता है जो कि स्प्लिट के आइदर साइड दोनों साइड सिलेंडर के लगी है, इसकी लेंथ है 165 mm। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेस्ट को आप दो स्टेप में परफॉर्म करते हैं। दो स्टेप में आपने क्या किया, 500 ग्राम सीमेंट लिया। जब आप सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो आपको पता है 0.85 P से गेज कर रहे थे, इसमें आप 0.78 P से गेज करेंगे। यानी जो P वैल्यू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की जो वाटर परसेंटेज मिली थी उसका 78% निकाल लिया, वो वाटर परसेंट आपने सीमेंट में मिक्स करके पेस्ट बना लिया, और इस पेस्ट को इस सिलेंडर में फिल करके टॉप और बॉटम से आपने ग्लास प्लेट से इसको कवर कर दिया। उसके बाद अब आप इस टेस्ट को दो स्टेप में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इस पूरी असेंबली को वाटर में इमर्स किया जिसका टेम्परेचर आपने 27 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखा। 24 आवर्स के लिए आपने इस वाटर में इस असेंबली को इमर्स कर दिया। 24 घंटे के बाद जब आप इसको बाहर निकालेंगे, वाटर का टेम्परेचर तो 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड था, जब आप इस असेंबली को बाहर निकालेंगे तो आपको पता है सीमेंट जो है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो इंडिकेटर आर्म की वजह से क्या होगा, इंडिकेटर आर्म स्ट्रेच होने लगेगी, वॉल्यूम इसमें फिल होगा। तो जब बढ़ेगा तो इंडिकेटर आर्म क्या होगी, आपकी स्ट्रेच होगी। सपोज़ एक्स वैल्यू इंडिकेटर आर्म स्ट्रेच हो गई, तो अब ओवरऑल इंडिकेटर आर्म के बीच की स्पेसिंग कितनी हो गई होगी, W प्लस एक्स। अब आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप परफॉर्म किया कि आपने इस पूरी असेंबली को वाटर में इमर्स कर दिया अप टू बॉइलिंग पॉइंट।
यानी बॉइलिंग पॉइंट तक आपने सबसे पहले 25 से 30 मिनट जो है बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ाया, उसके बाद आपने अप्रॉक्स 3 आवर तक इसको मेंटेन रखा। यानी कि पहले जब आपने असेंबली को डाला तो बॉइलिंग पॉइंट तक 25 से 30 मिनट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, फिर 3 घंटे तक आपने मेंटेन रखा। तो जब आप इसको 3 घंटे के बाद निकालेंगे बाहर पानी से, तो आपको पता है कि ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 27 से 32 था, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। तो सपोज़ फिर से ये इंडिकेटर आर्म स्ट्रेच हुई, तो अब इंडिकेटर आर्म सपोज वाई स्ट्रेच हो गई, तो टोटल स्पेसिंग कितनी हो गई, डब्ल्यू प्लस वाई। अब इनकी डब्ल्यू प्लस वाई हो गई, तो आपने क्या किया, आपको पता है W प्लस वाई ज़्यादा होगा W प्लस एक्स से, क्योंकि ये कम इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेच हुआ है कम टेम्परेचर की वजह से, ये ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा स्ट्रेच हुआ होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, W प्लस वाई माइनस W प्लस एक्स, तो ओवरऑल W कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, वाई माइनस एक्स। ये जो वैल्यू है ये 10 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर ये 10 mm से ज़्यादा एक्सीड कर गई तो आप उस सीमेंट को यूज़ नहीं करेंगे, वो सीमेंट आपका अनसाउंड कहलाएगा, ओके। और 10 mm से कम है तो इसका मतलब है आपका सीमेंट प्रॉपरली साउंड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार थ्योरी। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपने सीमेंट को 0.78 पी से गेज किया और उस सीमेंट पेस्ट को फिल कर दिया मोल्ड में, जिसका साइज़ कितना था, 30x30 mm। फिर आपने टॉप एंड बॉटम से ग्लास प्लेट से इसको कवर कर दिया और इमर्स कर दिया पूरी असेंबली को वाटर में, जिसका टेम्परेचर आपका कितना था, 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड 24 घंटे के लिए। जो पहला स्टेप आपने परफॉर्म किया कि वाटर में 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर पे आपने इमर्स कर दिया 24 घंटे के लिए, उसके बाद रिमूव किया मोल्ड को वाटर से, और उनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट था स्प्लिट के बीच का, वो इंडिकेटर आर्म की हेल्प से आपने नोट कर लिया। फिर आपने क्या किया, दोबारा सेकेंड स्टेप आपने परफॉर्म किया कि इमर्स कर दिया पूरी असेंबली को वाटर में, जिसका टेम्परेचर अब किस कितना रखा अप टू बॉइलिंग पॉइंट तक, पहले तो 25 टू 30 मिनट्स आपने इंक्रीज़ किया, फिर उसको फर्दर 3 आवर्स तक मेंटेन रखा। तो इनके बीच का फिर से आपने स्प्लिट के बीच का डिस्प्लेसमेंट नोट कर लिया इंडिकेटर आर्म की हेल्प से। तो इनके बीच का जो डिफरेंस निकला इन ऑफ़ द रीडिंग इन बोथ द पार्ट ऑफ द टेस्ट, इन दोनों पार्ट में जो भी डिफरेंस निकला उसकी वैल्यू 10 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए फॉर OPC, मीन्स स्टैंडर्ड सीमेंट की अगर बात करें तो 10 mm से ज़्यादा ये वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये तो हो गया लाइम की वजह से साउंडनेस। अब आप साउंडनेस मेज़र कर रहे हैं ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया कम्बाइंड, लाइम और मैग्नीशिया की वजह से साउंडनेस बताता है। इस टेस्ट को कहते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव टेस्ट में आप क्या करते हैं, ये टेस्ट जो है सेंसिटिव है दोनों के लिए, लाइम के लिए भी और मैग्नीशियम के लिए भी, यानी लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से ये साउंडनेस को मेज़र करता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, परफॉर्म करने के लिए एक सीमेंट का मोल्ड तैयार करते हैं, 25 mm साइज़ का एक क्यूब बनाते हैं लीन सीमेंट का, मींस थोड़ा पतला सीमेंट रखते हैं और उसका 25 mm का एक क्यूब बना लेते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं ऑटोक्लेव में। सपोज़ एक ऑटोक्लेव इस टाइप की मशीन है, इसमें आपने 25 सेंटीमीटर साइज़ का आपने क्यूब बनाया और इसको ऑटोक्लेव में फिल कर दिया, जिसका टेम्परेचर आपने ऑटोक्लेव का 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का स्टीम प्रेशर इंक्रीज़ किया और मेंटेन रखा 3 आवर्स तक, मीन्स 3 घंटे तक आपने स्टीम प्रेशर दिया 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। उसके बाद जब आपने इस क्यूब को मोल्ड से बाहर निकाला तो आपको पता है कि पहले तो कंप्रेस्ड है पूरा क्यूब, एकदम कंप्रेस हो चुका है प्रेशर की वजह से, जब आपने बाहर निकाला तो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। तो हर डायरेक्शन में आप इसको चेक कर लेते हैं, सपोज़ ये 25 mm है, ये भी 25 mm है और ये भी साइज़ 25 mm है। जब आपने चेक किया तो ये जो एक्सपेंशन है ये OPC के लिए 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मींस अगर 25 mm का 0.8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.2 mm, मींस 0.2 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तभी आप इस
सीमेंट को प्रॉपरली साउंड कहेंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक लीन सीमेंट 25 mm साइज का क्यूब बनाया और इसको ऑटो क्लेव में प्लेस कर दिया, जिसका स्टीम प्रेशर इंक्रीज़ किया 21 kg/cm² और उसको मेंटेन रखा 3 hours तक। जब आपने मोल्ड को रिमूव किया ऑटो क्लेव से, तो जो परसेंटेज एक्सपेंशन था मोल्ड का, वो नोट कर लिया हर डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू 0.8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ओपीसी के लिए। क्लियर? तो जो साउंडनेस टेस्ट है और सेटिंग टाइम टेस्ट है, इन दोनों टेस्ट में आपको पी वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, तभी आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इससे पहले आपने परफॉर्म किया। नेक्स्ट टेस्ट आता है लैब का स्ट्रेंथ टेस्ट। ये स्ट्रेंथ टेस्ट में आपका पहला टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब आपको पता है कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस में मेज़र करते हैं? यूटीएम में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आप मेज़र करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पेस्ट को प्रिपेयर करना है और मोल्ड में फिल करना है, बाकी यूटीएम का काम है, वो इजीली आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट की मेज़र करके बता देगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, चेक करने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, आप एक सीमेंट मोर्टार बनाते हैं, जिसमें आपको सीमेंट और सैंड, एक मोर्टार बनाते हैं जिसमें सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:3 रखते हैं, सीमेंट 1 part तो सैंड 3 part। और ये जो सैंड यूज़ करते हैं, ये सैंड आपकी स्टैंडर्ड सैंड होती है, और स्टैंडर्ड सैंड को कहते हैं एनोड सैंड। ये नाम ध्यान रखिएगा, एनोड सैंड इसलिए कहते हैं कि ये जो है एनोर, तमिलनाडु में एक एनोर पोर्ट है, वहाँ से ये सैंड यूज़ की जाती है, और ये तमिलनाडु मटेरियल्स लिमिटेड करके कंपनी है, वो ये एनोर सैंड उसने सर्च किया था। ओके, तो ये जो है एनोर सैंड, इसको बोलते हैं। सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:3 लेते हैं, और वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.4 लेते हुए आप इस सीमेंट को एक सीमेंट मोर्टार का एक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोर्टार विद स्टैंडर्ड सैंड ऑफ प्रपोर्शन 1:3 इज प्रिपेयर्ड, यानी सीमेंट सैंड का रेशियो 1:3 लेके प्रिपेयर कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड सैंड की हेल्प से। तो इसमें जो वेट आता है स्टैंडर्ड सैंड का, वो जनरली कितना होता है, 550 ग्राम, और वाटर सीमेंट रेशियो आप कितना रखते हैं, 0.4। इससे एक पेस्ट बना लेते हैं और इस मोर्टार को फिल कर लेते हैं 70.6 mm के क्यूबिकल मोल्ड में, और उसको मोल्ड को इमर्स कर देते हैं वाटर में 7 days के लिए क्योरिंग के लिए। ओके, जब उसको आप बाहर निकालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ यूटीएम आप इजीली जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेज़र कर लेते हैं। देखिए, सपोज़ आपने ओपीसी 33 ग्रेड का ओपीसी का सीमेंट लिया, तो अगर ओपीसी की स्ट्रेंथ जो है 28 डेज में 33 N/mm² आपको मिली, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 डेज में जो स्ट्रेंथ होती है, वो 28 डेज की स्ट्रेंथ की 2/3 होती है। मींस 2/3 ऑफ 33 कितना हो गया, 22 N/mm². वही अगर आप स्ट्रेंथ देखते हैं 3 days में, तो 3 days में जो स्ट्रेंथ होती है, वो 28 days की स्ट्रेंथ की 50% होती है। मींस 50% ऑफ 33 कितना हो गया, 16.5 N/mm². आपने देखा कि जब आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया, तो आपने कितने दिन तक क्योरिंग करी, 7 days तक की। इसका मतलब है कि जो यूटीएम से स्ट्रेंथ मिलेगी, वो कितने दिन की मिलेगी, 7 days की। इसीलिए कहा जाता है कि 28 days तक एटलीस्ट क्योरिंग करनी चाहिए। अगर आप 28 दिन तक करेंगे, तो आपको फुल स्ट्रेंथ ऑब्जर्व हो जाएगी। सपोज़ जब आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया, तो 7 days तक क्योरिंग की, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि यूटीएम से इतनी स्ट्रेंथ अप्रॉक्स ओपीसी की आनी चाहिए। ओके, कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए स्ट्रेंथ का रेशियो, 7 days की स्ट्रेंथ का 28 days की स्ट्रेंथ से रेशियो बताइए, 3 days की स्ट्रेंथ का 28 days की स्ट्रेंथ से रेशियो बताइए। तो आपको पता होना चाहिए 3 days पे जो है वो 28 days का 50% होता है, 7 days पे 2/3 होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं 3 month पे कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी, तो 3 month पे जो 28% पे फुल स्ट्रेंथ मिल रही थी, उसका 15% और इंक्रीज कर देते हैं, तो 1.15 टाइम्स ऑफ 33 ये 3 month पे स्ट्रेंथ मिलेगी। पूछ लेते हैं 3 month की स्ट्रेंथ का 28 days की स्ट्रेंथ से रेशियो बताइए, तो 1.15। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि इनिशियली तो स्ट्रेंथ का रेट बहुत ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, स्लो होने लगा। जैसे 3 दिन में ही 50% मिल गई, फिर 7 days में देखा तो 2/3 यानी 66.67% स्ट्रेंथ मिली, फिर वही
21 दिन के बाद आपको फुल स्ट्रेंथ मिल पाई। फिर वही 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद जस्ट 15% बढ़ी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, स्ट्रेंथ का रेट क्या है, स्लो होता चला जाता है। तो इस टाइप से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट UTM की हेल्प से आप परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका स्ट्रेंथ का, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जब आप सीमेंट या कॉन्क्रीट और कॉन्क्रीट किसी का भी निकालें, तो आप कोई भी अभी तक ऐसा एप्रेटस और मोल्ड नहीं बना है जो डायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेज़र कर सके। तो आप क्या कर सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको निकालनी है तो एक अप्रॉक्सीमेट मेथड आपने अडॉप्ट किया जिसके थ्रू आप टेंसाइल स्ट्रेंथ को अप्रॉक्सीमेट मेज़र कर रहे हैं। कोई भी डायरेक्ट मेथड अभी तक नहीं बना है। Apparatus available that leads to development of uniform tensile stresses across any section, जो कि आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बता सके। तो ये सब अभी भी अप्रॉक्सीमेट मेथड का यूज़ करते हैं। वो अप्रॉक्सीमेट मेथड क्या है, स्टैंडर्ड ब्रिकेट। यानी सीमेंट की जब आप टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लें तो स्टैंडर्ड ब्रिकेट्स आपने बना लिए जिसके थ्रू आप टेंसाइल स्ट्रेंथ को अप्रॉक्सीमेट मेज़र कर पा रहे हैं। आपको पता है कि सीमेंट और कॉन्क्रीट कुछ भी हो, ये सब कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं और टेंशन में वीक होते हैं। तो इसीलिए जब आप में सीमेंट में इसमें जब टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगी तो क्या होगा, टेंशन में वीक होगा तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड ब्रिकेट की हेल्प से आप अप्रॉक्सीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मेज़र करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सीमेंट मोर्टार बनाते हैं। जैसे कि आपने ऊपर बनाया, मींस सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:3 लिया, वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 लेते हुए आपने एक पेस्ट बना लिया। और ये स्टैंडर्ड ब्रिकेट होता है, ये फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं इतने साइज़ का, और ये आप देख रहे हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जो है ये 50 mm है यहाँ तक, और यहाँ से आपका है 12.7 mm। तो ये टॉप व्यू है, इतना mm साइज़ है, और ये 25.4 mm है। मीन्स ये जो साइज़ है ये 25.4 mm आपका साइज़ है। आप जब 3D व्यू देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये टॉप व्यू इस टाइप से दिख रहा है, और जब आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो एक ये रेक्टेंगल दिखेगा आपको, ठीक है। तो जब ये इस टाइप का स्टैंडर्ड ब्रिकेट बना देते हैं और सेंटर में ये जो ब्रिकेट का ये साइज़ है ये स्क्वायर है, 25.4 mm by 25.4 mm का है। तो इस ब्रिकेट में स्क्वायर में आप क्या करते हैं, उस सीमेंट पेस्ट को फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आप क्या करते हैं, क्यूरिंग के 7 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। उसके बाद जब आप इसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव लोड लगाना है, टेंसाइल लोड नहीं लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड अभी तक है ही नहीं जो डायरेक्ट टेंसाइल लोड लगा के टेंसाइल स्ट्रेंथ को बता सके। तो जब आप इसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हैं और तब तक लोड लगाते हैं जिस लोड पर ये ब्रिकेट फेल ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि सीमेंट जो है वो टेंशन में क्या है, वीक है, और कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है। तो जब कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है तो मींस उसके अंदर ये तब तक फेल नहीं हो रहा होगा कि जब तक इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी, और जिस लोड पर ये फेल हो गया इसका मतलब है कि उस कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के साथ साथ इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस भी डेवलप होना शुरू हो गई होंगी, जिसकी वजह से ये ब्रिकेट क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि ये टेंशन में वीक है, टेंसाइल स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाया, तो इसलिए ये ब्रिकेट फेल हो गया। वो फेलिंग लोड आप नोट कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है 25.4 mm by 25.4 mm, फेलिंग लोड अपॉन जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6.45 cm². तो इससे जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी अप्रॉक्सीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है सीमेंट की। डायरेक्ट नहीं पता है, एक आइडिया लगा के अप्रॉक्सीमेट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेज़र कर लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। ये लास्ट टेस्ट है सीमेंट का, लैब का, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। कुछ केमिकल, फिक्स केमिकल कंपोजिशन, कुछ फिक्स प्रपोर्शन लेते हैं सीमेंट को बनाने के लिए। जैसे कि एलुमिना का आयरन ऑक्साइड के साथ जो रेशियो है वो शुड नॉट बी लेस देन 0.66, 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड, द रेशियो ऑफ लाइम, लाइम का सिलिका, एलुमिना और आयरन ऑक्साइड के साथ जो रेशियो है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.02, 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी लेस देन 0.66, 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। इस रेशियो को कहते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर। जैसे कि देख लीजिए,
लाइम CaO, लाइम का सिलिका एलुमिना और आयरन ऑक्साइड के साथ जो रेशियो है वो 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। ये फिक्स प्रपोर्शन है, इसी को यूज़ करके आप सीमेंट में यूज़ करते हैं बनाने के लिए। इस रेशियो को कहते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर। नेक्स्ट देखिए, जो वेट है मैग्नीशिया का वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेट मैग्नीशिया का। टोटल लॉस ऑन इग्निशन, जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो इग्निशन टाइम पे जलाते टाइम कुछ लॉसेस हो जाते हैं, वो 4% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टोटल सल्फर कंटेंट, जो सल्फर कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.75%, 2.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट ऑफ इन सॉल्यूबल रेजिड्यू, जो अघुलनशील रेजिड्यू बचते हैं, घुलते नहीं हैं, वो जो है 1.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है टेस्ट हो गए आज के, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट फील्ड और लैब टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, सीमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।